दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए अरविंद केजरीवाल कांपा, जो 13-14 दिन तक आमरण अनशन कर चुका था। कब? जब संगत थी अन्ना की, उनका असर था अन्ना का। आज क्या पोजीशन संगत किसकी हो गई? जो उस व्यक्ति की जो महिलाओं से बदतमीजी कर रहा था, लातों से मार रहा था इनके घर पर, उसका असर क्या हुआ? 20-25 मिनट में सारा कार्यक्रम इनका निपट गया। गए थे धरना प्रदर्शन करने, आधे घंटे में उल्टे पांव भागे। टोटली धरना फ्लॉप हो गया, टोटली फ्लॉप हो गया। हरियाणा से, यूपी से, तमाम जगह से लोग बुलाए गए थे, हिमाचल, उत्तराखंड, सब जगह से, इवन गोवा तक से आए थे। इन्होंने परसों प्लानिंग कर ली थी, कल घोषणा की, पहले से प्लानिंग थी। सबको, किसी को पीली कमीज दी गई, किसी को हर तरह से व्यवस्था, पूरी पेट बढ़कर आए थे, पेट बढ़कर। और बहुत मुश्किल से बहुत कम तादाद पे आए, जबकि पूरी रात फोन किए गए, मगर लोगों ने आने से मना कर दिया। पूरा फ्लॉप हुआ, आधे घंटे में सब सिमट गया। और केजरीवाल पहली बार चल रहे थे, मगर नीचे पैर कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे। और पार्टी भी आज टूट गई। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज, दबे जवान एक ही बात कह रहे थे, आज बुलाया है, आज तो पार्टी खत्म हो गई, और 13 दिन बाद ये चले जाएंगे, और 13 दिन बाद तो पार्टी का अब नाम ही हो जाएगा खत्म, कोई नाम ही नहीं लेगा। ये लोग आज आप पार्टी के कह रहे थे, समझ नहीं आया। 13वां दिन कह रहे थे, 1 तारीख तक है, उसके बाद केजरीवाल जी अपने ओरिजिनल महल पहुंच जाएंगे, और इस महल से लेकर के। आज आप पार्टी के कार्यकर्ताओं बहुत हसाता से, सबसे बड़ी बात आज क्या हुई है दोस्तों, बताएं आपको। इन्होंने सबको बुलाया था, संजय सिंह ने बहुत मेहनत की, संजय सिंह के लोग आए, इसमें कोई शक नहीं। मनीष सिसोदिया के आए, यूपी से आए, और यूपी में हाथरस से आए, और जगह से आए, और सुल्तानपुर के काफ़ी लोग थे। आज इनको सुबह क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया, जब यूपी के लोग आए तो उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जिंदाबाद, तुरंत एक वो दिया गया, नहीं सिर्फ एक नारा, वो क्या होगा? अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद। संजय सिंह को आज नारा सिर्फ एक लगाना पड़ा, तानाशाही मुर्दाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। अब आपको बता रहे, पार्टी पूरी सिमट गई है। आज एक बात और है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं निराशा। केजरीवाल खुद कहते हैं कि केजरीवाल गारंटी देगा, केजरीवाल ने आपको दिया, मोदी डरते, सब डरते। आज इन्होंने क्या किया, हाईलाइट होने के लिए एक काम और किया। आपको बतला रहे हैं कि मोदी जी को डायरेक्ट इन्होंने कि मोदी जी मैं आ रहा हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो। अरे इनको यही करना था तो ये 3-4 रोज पहले जो धरना प्रदर्शन करने गए हैं, इससे ज़्यादा बेहतर था विभव कुमार को पकड़ करके, जैसे हाथ पकड़ के मालीवाल को बाहर निकाला है, ऐसे हाथ पकड़ करके और 3-4 अपने सिक्योरिटी गार्डों को ले करके, अगर इनको जाना ही था या थाने चले जाते, सिविल लाइन थाने, कहीं पर विभव कुमार को लेके चले जाते, ऐसे हाथ पकड़ के जैसे उनका, और 4-5 इनके गार्ड होते तो कितना बड़ा असर होता। ये और सुनीता केजरीवाल चले जाते तो सुनीता केजरीवाल इस प्रदेश की अध्यक्ष बन सकती थी, CM बन सकती थी, मगर इन्होंने ऐसा नहीं। या बीजेपी कार्यालय चले जाते, बीजेपी कार्यालय क्या करने गए थे समझ नहीं आया, परमिशन नहीं ली। ये कानून तोड़ने पे आमादा, बगैर परमिशन आप समझ लीजिएगा। अब आप अंदाज लगा ले, पुलिस देख करके वो कार्यकर्ताओं ने कहा आज क्या कहने था, देखिए ये शख्स जो है सिर्फ झूठ बोल रहा है, ये अरेस्टिंग इसलिए चाह रहा था, खुद को जाना है 1 तारीख को, 2 को जेल जाना है, तो चाह रहे सब चले जाए, ये झूठ बोल रहे हैं, राघव चड्ढा, ये सब राघव चड्ढा वहाँ से कन्फर्म करके आए हैं कि हमें अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तब वो आए हैं राघव चड्ढा। दूसरी राघव चड्ढा, आप पार्टी में तमाम लोग ऐसे हैं जो आप पार्टी में उनसे अनबन चल रही, उस साफ बात कर रहे हैं, तमाम आपको बता रहे हैं सांसद वगैरह, इनके 2 तारीख के बाद में आपको बता रहे हैं
कि दिल्ली गुरुद्वारा उसकी उसके पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के नेता बादल ने स्पष्ट कहा कि 5 तारीख को ये सब लोग बीजेपी में चले जाएंगे आप वाले, ये उनका कहना। अब आप देखिए क्या है, पुलिस देख करके आप वाले वो हो गए, आधे घंटे में सब सिमट गया। ये देखिए भीड़ देखिए कितनी है, देख रहे हैं आप कितना अंतर। जब भीड़ का एक आंकड़ा होता है, रूल ऑफ मॉस गैदरिंग है एक जो मॉस्कॉम में पढ़ाई जाती है, जिसमें रूल जिसमें भीड़ का आंकलन लेते हैं कि 1 फुट स्क्वायर पे है या 1 मीटर स्क्वायर पे, ये 1 मीटर स्क्वायर पे नहीं है, ये आप देख रहे ये ज़्यादा है प्लेस, ये 4 मीटर स्क्वायर है। तो भीड़ कितनी होगी इसका मतलब है ही नहीं, एक लिमिटेड जगह में। टोटल जो इनका एरिया है वो 200 मीटर स्क्वायर भी नहीं है, 100 मीटर स्क्वायर में इतने लोग खड़े हैं, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी भीड़ होगी। 100 मीटर स्क्वायर पे आप देखिए कितना ये लेंथ है, 1.5-1.5, 2-2 मीटर, जैसे कोरोना काल में कहा जाता था दूर दूर। आज आपको बता रहे हैं पार्टी की ये पोजिशन थी कि बशीर बद्र ने शेर पढ़ा, शेर कहा था, आज आप पार्टी के कार्यकर्ता भी कह रहे थे कि वास्तव में वो शेर क्या था, ये नए मिजाज का शहर है, इस फासले से मिला करो, फासले से मिला करो, ये जिंदगी गजल की ऐसी किताब है जो चुपके चुपके पढ़ा करो, ये नए मिजाज का शहर है, फासले से मिला करो। आज बशीर बद्र का बिल्कुल शेर वही पोजिशन, फासला अपने आप था, मतलब इतने कम लोग पार्टी, और ये जब गए जो ही धरना खत्म हुआ पुलिस इनके यहाँ शीश महल पहुंच गए। केजरीवाल आज कांप गए, जब चल रहे थे तो भीड़ में पैर कांप रहे, फिर सोच रहे थे कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं मैं, हमसे क्या भूल हुई जो ये खता हमड़ी हुई। और केजरीवाल सोच रहे थे घर जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल डरते भी बहुत हैं, जिस समय अन्ना वाले उस पर वो हुई थी तो केजरीवाल भी अपने चुपचाप निकल लिए थे। अच्छा केजरीवाल आज ये कह रहे थे मैं गिरफ्तारी दूँ, गिरफ्तारी वगैरह नहीं दी। आप पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं ये एक्चुअली में जा रहे हैं तो चाह रहे हैं कि पूरी पार्टी में ख़त्म कर दें। आज इन्होंने आखिरी पार्टी का ये आखिरी कार्यक्रम था, आप कार्यकर्ताओं का साफ कहना था ये आखिरी प्रदर्शन है, इसके 13 दिन बाद पार्टी ख़त्म हो जाएगी, जेल चले जाएंगे, ये चाह रहे हैं हम जाएँ तो पूरे मोहल्ले को ही उठा के लिए जाए, पूरे अपने उसको खास तौर से इन्होंने सबको भिजवा दिया। इन्होंने स्पेशली नाम लिया कि विजय नायर के उसमें, विजय नायर को हम नहीं ये लोग करते थे, आतसी मार लेना हो ये। मगर आप देखिए सब एक ही बात कह रहे हैं, मालीवाल का नाम कहीं जिक्र नहीं किया, स्वाति मालीवाल का कहीं पे नाम नहीं जिक्र किया, कितनी ताजुब की बात है कि स्वाति जी का नाम कहीं जिक्र कर देते। अब देखिए ये आज केजरीवाल ने लोगों को क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई देखिए पार्टी में सभी लोग नेता हैं, आप लोग अपना पोस्टर लिखिए, नीचे नाम डाल दीजिए, अपना वो डाल दीजिए, और खूब लिखिए मोदी जी से डायरेक्ट, प्रधानमंत्री हर व्यवस्था के खिलाफ लिखिए। इसके पीछे इनकी चाल है, चाल ये है कि इस तरह पोस्टर लेके लो, और कहा इन्होंने अपना नंबर भी डाल दीजिए ताकि नंबर पड़ जाए और कुछ कार्यकर्ता बेचारे ना समझे में उल्टा सीधा लिख जाए और जेल चले जाए। चूंकि केजरीवाल की इच्छा है कि अभी तक ये था हम तो डूबे सनम तुझे भी ले डूबेंगे, मतलब पहले सनम और उसकी बात थी, मैं केजरीवाल इसमें नहीं, हम तो डूबे सनम पूरे इलाके को ले डूबेंगे, पूरे इलाके को, ये इसमें हो गया। देखिए इन्होंने क्या लिखा, संविधान की रक्षा करनी ये लड़ाई मजबूरी है, हो सरकार जब जन विरोधी फिर तो जंग जरूरी है, देखिए फिर तो में मिला हुआ है सब, ये इन्होंने सबको छूट दे दी। सागर जी 960-422-5150, ये तब भी गनीमत थे कि इन्होंने एक भलमन शायद की, वरना वो तो कहता था चौथी पास राजा पढ़ा लिखा, इन्होंने देखिए नंबर भी दिया ताकि ये जेल जाएं। केजरीवाल चाहते पूरी पार्टी जेल चला जाए। अब इधर देखिए दूसरा देखिए शरीफ आदमी बेचारा, देखिए मजदूर टाइप के लोग अच्छे लोग कार्यकर्ता, इनका शोषण शुरू करा दिया, अब इनकी इच्छा है कि पूरा कार्यकर्ता जाए। फेकू है, फकीरा, चोर, चौकीदार है, ये शब्द लिखाने वाले आप पार्टी के लोग हैं, ये सब इनकी गाइडलाइन। फेकू है, फकीरा है, चोर है, चौकीदार है, शराब चोर, जल घोटाले में चोर, उन सब की इनको चिंता नहीं है।
क्या कह रहे हैं, पीएम के लिए फेकू है, फकीला है और चोर चौकीदार है, लुटेरों के हाथ में जुमले की सरकार है, लुटेरे को हाथ में जुमले की सरकार है। अब ये नहीं समझ में आ रहा, ये आप पार्टी के लिए कह रहे हैं, दूसरी की उसके लिए बीजेपी के लिए, फिर कह रहे हैं गेदी है, गोदी को गोदी है, मीडिया झूठा अखबार है, अंबानी अडानी का लगता वो यार है, खोटे हैं वादे तेरे, नकली विकास है, बुलडोजर कुचलना यहाँ कानून का हाथ है, सागर 960 ये नंबर, पूरी सागर को अरेस्ट कराने के शरीफ कार्यकर्ताओं को इनकी योजना, हम जाएंगे पूरा इलाका ले जाएंगे। इलाका जानते हो किसका होता है, आप जानते हैं, सिर्फ इलाका दिल्ली का इस समय एक ही है, एक ही आदमी मानता है, कौन मानता है, केजरीवाल जी और सुनीता केजरीवाल, सिर्फ इलाका सुनीता केजरीवाल जी, ये तो जेल चले जाएंगे, चाहे नहीं इलाका की मैं मालिक बन जाऊँ, मालकिन बन जाऊँ। अब आप समझ लीजिए कि इनकी क्या पोजीशन है, ये देखिए केजरीवाल जी, मामला किनका, इनका, और उस पर जिक्र नहीं कर रहे हैं, जिस पे भी आप समझ ले, स्वाति मालीवाल पे जो अटैक हुआ एक शब्द नहीं बोला अगला, स्वाति माल आप खिलाफ बोलते, स्वाति माल ने अगर गलती की तो आप बोलते नहीं, सिर्फ क्या दूसरा मामला प्राइम मिनिस्टर से, उनके यहाँ बीजेपी का क्या फायदा, आप जाकर के कचहरी में करते, थाने में जाके प्रदर्शन करते, कहीं करते, आप इसी विभव कुमार को आप गए हैं हमें गिरफ्तार कर लो, विभव कुमार को वैसे पकड़ ले जाते तो कोई बात होती। कुल मिलाकर के ये स्थिति है कि बहुत ज़्यादा पार्टी की फजीहत हो रही, लोगों ने मान लिया है कि आखिरी दिन था मेरा और 13 दिन बाद ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी। ये इसलिए कार्यक्रम रखा गया था कि पूरा सम्मान के साथ 13 दिन ये पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना। दूसरी आपको बता रहे हैं कि संदेश पीएम को आज इन्होंने जिससे कहा कि संदेश, हम आ रहे हैं, हमें अरेस्ट कर लो, ऐसे ही आ रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा वो आ रहा हो, दुनिया का कोई बहुत बड़ा, मैं आ रहा हूँ मुझे अरेस्ट कर लो, पीएम से कोई ले रहा, सिर्फ ये हाईलाइट होना। और आज एक चीज़ और तय हो गई कि इन्होंने सिर्फ एक ही नारा लगवाया, तानाशाही मुर्दाबाद एके जिंदाबाद अरविंद केजरीवाल, लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया, कार्यकर्ता चाहता था आप पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाए, अब कार्यकर्ताओं ने आज तय कर लिया, मैसेज चला गया सब जगह, हमें आप पार्टी बचाना है, अरविंद केजरीवाल को नहीं बचाना है, स्पष्ट हो गया ना, सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाना है, ये पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज तय कर लिया। और आपको बता रहे हैं 5 दिन के लिए हिरासत में लिए गए हैं और विभव कुमार बहुत कुछ अभी उगलेंगे, बहुत कुछ, हालांकि ये पार्टी बहुत तेज है कि इनमें डिजिटल, उस पर ख़ासतौर से इन्होंने अपने डाटाज, इसके पहले भी डाटाज, मोबाइल से डाटाज वो करना, दूसरे नाम से करना। आज आपको बताना है कि DCP दिल्ली सेंट्रल के हर्षवर्धन मांडवा ने इनसे स्पष्ट कहा कि 144 CRPC लगी हुई है, इसलिए आप लोग कोई हरकत ना करें अपने उस पर। तो ये डरे दबे भी थे, ये गिरफ्तारी देना भी नहीं चाह रहे थे, ये गिरफ्तारी के लिए जमानत के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बार बार जा रहे थे, अगर इनसे ही कह दिया गिरफ्तारी दो तो देने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि ये डर रहे थे कि तमाम लोगों पे मुकदमे हैं। जब इनको आज समझाया गया ज़्यादा वहाँ पे मत करना, नहीं तो कई लोगों पे कई और मुकदमे हैं। आज ये भी पता चला कई अपराधी टाइप के लोग भी इनके साथ गए थे, इनके साथ, वहीं लोगों का ये मानना कि पार्टी ही अपराधियों का संरक्षण देती है और ये जो है शोषण महल हो गया है शीश महल की जगह, मगर शीश महल की भी ये लग रहा कि ये कुछ ही दिनों का है और इसमें जल्द ही लोगों की डिमांड यही है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाए, आप पार्टी कार्यकर्ता और शीश महल में ताला पड़ जाए, ये लोगों की डिमांड है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।